इनको दीजिए घसीट के लाएंगे, इनको दीजिए घसीट के लाएंगे इनको। आप ले जाएंगे हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं जो मतलब मूवी कर रहा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसमें मैं विलन हूँ, वंस मोर विलन हूँ, तो मेरे जो मेन विलन है वो हमारे पास है और उनसे बात करती है। चल जाइए देख सर, मैं आपके साथ पहला प्रोजेक्ट किया हूँ, आपके विलन में रोल किया हूँ, तो आपको मतलब मेरा काम करने का तरीका कैसा लगा? मुझे कैसा लगा? तुमको कैसा लगा? बात तो सही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका नेचर भी, बात करने का तरीका भी। तुमको तुम्हारा काम कैसा लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम मैं काम किया हूँ, बेटर किया हूँ, बेटर से भी बेटर करने सोचूंगा नेक्स्ट टाइम। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मतलब और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रहता है ना एक्सप्रेशन, वो थोड़ा कम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि एकदम परफेक्ट करूं। थोड़ा घबराना जो था वो आज कम हो गया है, तो क्या नाचोगे? क्योंकि दो तीन दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो धीरे धीरे वो चीज़ कम करना है हमेशा के लिए। तब जब तुम अपने में कॉन्फिडेंस होगी, तुमने अच्छा किया तो फिर अच्छा है। और बाकी आपका भी मैं देखता हूँ अच्छा है, मतलब इसलिए करते ही काम देख लो। नहीं मैं देखा हूँ ज़्यादा, तुम्हारे ब्लॉग है, इनके ब्लॉग को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नया कलाकार है तो सपोर्ट करिए। और मैं कहूँगा अब ये बड़ी बात है, ये लोग दिल्ली से आके या भोजपुरी, मैं बॉम्बे से आया हूँ सर, ये बॉम्बे से आके भोजपुरी, अभी भिवंडी से, ये भिवंडी से आके भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भिवंडी में तो पूरा हुआ है, बंटे अंटे संटे दिल्ली भोजपुरी कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, तो अच्छा है, ये अच्छी बात है कि चलो लोगों में, नए लड़कों में भी ये जज्बा है कि मुझे भोजपुरी करना है। तो आपको भगवान खूब सारी आपको मेहनत करने का हौसला भी, अच्छा काम है। सो मच, और मैं यही कहूँगा कि देव सर के मतलब 212 के फॉलोअर है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उनके 500 से 1 मिलियन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इनका अकाउंट भी थोड़ा, मेरे को फील है ये 1 मिलियन वाला काम नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस आप मेरी फिल्में देखिए। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी दूसरी माँ की गोद का भी आदर करें, ऐसा कोई भी दुष्कर्म न करे कि अपनी माँ के दामन पर दाग लगे। कोई भी हमारे गार्ड्स को देखे तो उन्हें लगे कि ईमानदार होगा, सिद्धांतवादी होगा, संस्कारी होगा, बहादुर होगा, और कुछ ना भी हो। देख सकते हो आप, क्योंकि भोजपुरी के अच्छे खासे कलाकार हैं, बहुत काफी टाइम से मैं भी इनको मतलब देखा था, लेकिन आज जब पहली बार फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आया ना, तो लाइव देखा हूँ, और लाइव देखने के बाद में ना ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक अलग लेवल का आया था। मतलब लाइव में जो दिखे ना बॉडी उडी, मतलब हटके रहती है। चलिए आप ऐसे ही देखिए, खुश रहिए और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, सीखना ही सबसे बड़ी बात है, आप लोग देखते सीखी देता हूँ कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच, मैं हमेशा तो कर लेता हूँ, इसी तरह अच्छा काम करिए, स्वस्थ रहिए, देखिए और इनका ब्लॉग को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बांटे हिलाना। चलिए बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।